सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अन साहब सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली अपडेट काराकुट क्लास के कॉर्वेट्स को लेके है। कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि रशिया अभी इंडिया, चाइना और वियतनाम को अपनी काराकुट क्लास की कॉर्वेट्स को ऑफर करने वाला है। इन वेसल्स के साथ रशिया अपनी कैलिबर लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को भी एक पैकेज के तौर पर ऑफर करने वाला है। इस मिसाइल की रेंज इसकी वेरिएंट्स को लेके 50 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक हो सकता है। इंडियन नेवी अभी अपने पुराने मिसाइल बोट्स को रिप्लेस करने के लिए कोशिश कर रहा है, जिसके लिए अभी $2 बिलियन की कीमत में करीब 7 नेक्स्ट जनरेशन गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट्स खरीदे जाने वाले हैं। इस टेंडर को हासिल करने के लिए कुछ यूरोपियन और रशियन फार्म भी कोशिश कर रहे हैं। रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने लोकल मीडिया से बात करते हुए बताया कि इंडिया को काराकुट क्लास की वेसल्स के साथ कैलिबर मिसाइल को भी दिया जाने वाला है, जिसकी रेंज करीब 2500 किलोमीटर तक है। लेकिन चाइना और वियतनाम को ये मिसाइल ऑफर किया जाएगा या नहीं, इसको लेके उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। इन वेसल्स को रशिया खुद भी इस्तेमाल करने वाला है और इनकी डिस्प्लेसमेंट करीब 800 टन तक है और ये करीब 30 नॉट की रफ्तार को हासिल कर सकते हैं। अगला अपडेट DRDO की तरफ से है। DRDO की तरफ से अभी एक नेक्स्ट जनरेशन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप किया गया है, जिसे अभी हमारे नेवी इस्तेमाल करने वाली है। DRDO के मुताबिक ये हमारे नेवी के ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बेहतर बनाने में काफी मदद करने वाली है। इस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम को डेवलप करने के लिए DRDO पिछले 8 सालों से इस पर काम कर रहा है और हाल ही में इसकी यूजर ट्रायल को सफलता के साथ कम्प्लीट किया गया है। इस सिस्टम को हमारे नेवल शिप, एयरक्राफ्ट और मरीन्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। ये हमारे पुराने सिंगल पर्पोज हार्डवेयर बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम को रिप्लेस करने वाले हैं और इनकी सबसे बड़ी खासियत इनमें बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम मौजूद है। पिछले साल नवंबर में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से ऐसे 260 SDR सिस्टम को खरीदने के लिए भी अप्रूवल दिया गया था, जिसके बाद इन सिस्टम को अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है। अभी DRDO हमारे एयरफोर्स के लिए भी इसी तरह के सिस्टम को डेवलप करने में लगा हुआ है। अगला अपडेट ISRO की तरफ से है। एक लीडिंग डिफेंस न्यूज साइट के मुताबिक ISRO अभी एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन सिस्टम को डेवलप करने में लगा हुआ है, जो कि काफी बड़ी मात्रा में थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है और ये आगे चल के केमिकल प्रोपेलेंट को रिप्लेस करने वाला है। ISRO के मुताबिक EPS सिस्टम में एनर्जी लिमिटेड नहीं होती है और जहां पर कन्वेंशनल प्रोपेलेंट की मदद से एक 4 टन की सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकता है, ठीक उसी सिचुएशन में अगर हम EPS सिस्टम का इस्तेमाल करें तो हम आसानी से 6 टन तक के सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। ISRO पहले भी EPS सिस्टम को 2017 में GSAT-9 के साथ टेस्ट कर चुका है और इसकी मदद से हम हायर पेलोड्स को भी लॉन्च कर सकते हैं, जो कि अलग अलग फॉरेन स्पेस एजेंसी से हमारी डिपेंडेंसी को कम कर सकता है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। सोर्सेस के मुताबिक चाइना अभी एक नए आर्टिलरी यूनिट के लिए रॉकेट को डेवलप कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट्स की मदद से लॉन्च किए जाते हैं। चाइनीज मीडिया के मुताबिक चाइना इन सिस्टम को तिब्बत ऑटोनोमस रीजन और इंडो चाइना बॉर्डर में डिप्लॉय करने वाला है। इन रॉकेट्स की रेंज करीब 200 किलोमीटर तक है और ये कन्वेंशनल रॉकेट्स के मुकाबले ज्यादा खतरनाक होते हैं। चाइनीज सोर्सेस का कहना है कि चाइना के साउथ वेस्ट पार्ट में पहाड़ी इलाके हैं, जहां पर कब्जा करना और जंग लड़ना काफी मुश्किल काम है और इन रॉकेट्स की मदद से वो 200 किलोमीटर के दूर से ही दुश्मन को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अगला अपडेट एरो इंडिया शो को लेके है। ये अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है, क्योंकि कल ये न्यूज आई थी कि गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला किया गया है कि एरो इंडिया 2019 को अभी बेंगलुरु से शिफ्ट करके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जाने वाला है। लेकिन इसी पर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है और उनका कहना है कि एरो इंडिया शो को बेंगलुरु से शिफ्ट नहीं किया जाएगा। और अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक स्टेटमेंट को इशू किया गया है, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बताया कि अभी तक एरो इंडिया शो को बेंगलुरु से शिफ्ट करने का कोई भी ऑफिशियल डिसीजन नहीं लिया गया है और कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मीडिया को जरूर बता दिया जाएगा। फिलहाल इस पर अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है और अभी मैं आप सभी को पाकिस्तान के सुनहरे इकोनॉमी का दर्शन कराने वाला हूँ, क्योंकि 2 या 3 दिन पहले जब हम ऐसे किसी टॉपिक पर बात कर रहे थे तो किसी ने कमेंट किया था कि पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम इंडिया से बेहतर है और उनकी GDP भी हमसे बेहतर है।
आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व अभी 10 बिलियन से भी नीचे आ चुकी थी और रिसेंटली चाइना की तरफ से दिए गए लोन की वजह से वो बहुत ही मुश्किल से 10 बिलियन मार्क को पार कर पाए हैं और अभी पाकिस्तान IMF से करीब $12 बिलियन का लोन भी लेने वाला है। मजे की बात है कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अब एक कंडीशन लगा दिया गया है कि पाकिस्तान IMF से लिए गए लोन से अपने पुराने लोन जो कि वो चाइना से ले रखा है उन्हें चुकता नहीं कर सकता है। इसके लिए वो अभी यूनाइटेड स्टेट के ऊपर थोड़ा भड़के हुए हैं और अभी तक पाकिस्तान ने चाइना से करीब $5 बिलियन से ज़्यादा का लोन ले रखा है। वहीं पर आज ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये बताया गया कि अगर IMF से पाकिस्तान $12 बिलियन का लोन ले भी लेता है उनमें से लगभग $5 बिलियन से ज़्यादा की रकम वापस IMF को चला जाएगा क्योंकि पहले ही पाकिस्तान ने IMF से 6 बिलियन के आसपास की लोन ले रखी है और इनकी हालत अभी इतनी ख़राब हो रखी है कि अभी इनके पास 2 महीने इम्पोर्ट्स के लिए भी पैसा नहीं है और अगर IMF से लिए गए लोन अमाउंट से ये चाइना के लोन को चुकता करने लगे तो 6 बिलियन IMF के प्रीवियस लोन और 6 बिलियन चाइना को देने के बाद इनके पास कुछ नहीं बचने वाला है और उसके बाद अभी IMF से लिए गए $12 बिलियन की लोन को चुकाने के लिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी को सुधारने के लिए ये NBA बैंक से करीब $100 बिलियन की लोन की मांग करने वाले हैं जिसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से बेहतर जरूर बन जाएगी क्योंकि पाकिस्तान को इस बैंक से लिए गए लोन को वापस करना नहीं पड़ेगा। NBA यानी कि नेशनल बैंक ऑफ एलियन से आप 0% इंटरेस्ट और 100% सब्सिडी के साथ लोन ले सकते हैं लेकिन इसके लिए एक स्पेशल टैलेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आपको कोपचे में जाके सुअर बनना पड़ता है फिर हार्पिक और फिनाइल को आधा आधा पी के आधा नीला और आधा सफ़ेद अंडा देना पड़ता है। अब ये मत पूछना कि एलियन अंडे का क्या करते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।